म्यूजिक का मसला ये कि आपकी शादी हो जाती है, आप फिर भी म्यूजिशियन रहते हैं, बीवियों को बात की पसंद नहीं आती, बिकॉज ही इज लाइक पता क्यों, बिकॉज देयर इज दैट एलिमेंट ऑफ जेलसी इन दिस. व्हेन यू लव, सी वी आर म्यूजिशियंस, वी लव आवर म्यूजिक. Okay, we will be talking about this jamming session. We have a call with us. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain? Ramzan ja. Ramzan. Haan ji. Ramzan, bhai kahan se baat kar rahe hain? Niwali se. Niwali se. Welcome to KB Club, Ramzan. Kya karte hain aap? Bas dukaan pe hoon aap. Hello. Haan ji. Ji ji. मैं अपनी दुकान से होता हूँ. अच्छा, आपने टॉपिक सुना हमारा फ्यूचर के मुताबिक, चले उस पर कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी. क्या मैं, क्योंकि मैं आप खुद ही सुन करता हूँ बहुत ज्यादा. हाँ जी, तो इधर ये वाली जो है ना, जो फोक सिंगर है, ठीक है, तो इधर जो है ना, कोई ऐसा मसला नहीं जिस वजह से हम सुन कर सकते हैं. तो ऐसे एक प्रोग्राम होते हैं जिसमें एडिटर होने चाहिए, तो हाँ जी आप समझे ना? जी जी, आप बात करें. तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ एडिटर होने चाहिए, क्योंकि इधर मेरे बारे में कोई जो है ना प्लेबैक सुंदर या पॉप सिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में बैठे बैठे जो है ना ट्यूनिंग करता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसी तरह बेसिकली जो सामने को आपकी बात मुझे बड़ी सी समझ आई है, अगर आप इजाजत. मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए आपकी बात बड़ी बजाय, बिकॉज मियांवाली में एक तो आप कारोबार में अपने मशहूर रहते हैं, और ऑब्वियसली टाइम निकालना इस जॉब का इतना आसान नहीं होता, और उसके ऊपर मुश्किल है इसलिए कि मियांवाली में आई डोंट थिंक के अपॉर्चुनिटीज हैं म्यूजिक को प्रोजेक्शन देने की. इसमें मैं के क्यू की टीम से आप लोगों से बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मियांवाली भी जाएँ और ऐसे टैलेंट को पिक करें और उनको इंटरव्यू करें, उनको प्रोजेक्शन दें, ताकि उनमें भी एक हौसला डेवलप हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो. तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक आपके मियाँ वाली जो के टू को आना चाहिए, बिकॉज के टू माशाल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह. तो आई थिंक दिस इज द वे टू डू इट. एक्चुअली ये तरीका है कि आप किसी ना किसी तरह अपॉर्चुनिटी देखें, ढूंढें, आसान नहीं है. म्यूजिक एक बहुत ही वो कहते हैं मुश्किल वो है, एक किस्म का प्रोफेशन है या एक मुश्किल हॉबी है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट हॉबी, और इसमें अब आपने अपने आप को खुद बढ़ाना है. पता है इसका आपके भाई को सबसे बेहतर ये कि क्योंकि आपको शौक है, महफिल किया करें हर दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद अपने घर में अपने दोस्तों को बुलाएं, उनके सामने अपने गाने पेश करें, वो दोस्त अपने दोस्तों से बातें करेंगे आपके बारे में. फिर आप महीने बाद एक और शो करेंगे, एक और महफिल करेंगे, पहले अगर 10 लोग आए थे 20 लोग आएंगे. तो इस तरह आपको ये हिम्मत करनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह एक ना एक दिन इंशाल्लाह अंतिम आप देखेंगे. अगर आप इतना जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको, आप इसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको एक वो मौका मिल जाएगा अपने आप को उभारने का, बेसिकली प्रोजेक्शन देने का. हाँ, लेकिन हम जो है ना, सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैंने कमेडियन जो है ना चल रही थी, छूने गया सामान में फिल्म. हाँ जी, फिल्म में ये छूने गया सामान जो प्रोग्राम था ना. अच्छा, तो क्या हुआ?
सर जी उन्होंने कहा कि हम तकरीबन आपको एक मंथ के बाद जो है ना बुला लेंगे, लेकिन वो हम जो है ना फ्लैक्स हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है ना कोई उन्होंने एक्शन भी नहीं लिया।